हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों करने जा रहे हैं सिक्किम थालीटिंग चैलेंज। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रहेगा जब हमने अपना छठा वीडियो बनाया था तमिलनाडु फूड चैलेंज पे, तो उसमें हमने चिट उड़ाए थे कि नेक्स्ट स्टेट कौन सा रहेगा जिस पे हम लोग चैलेंज करेंगे। उसमें निकला सिक्किम। आज ये है सातवां एपिसोड। फ्रेंड्स, सातवें एपिसोड में हम लेके आए सिक्किम का फेमस स्ट्रीट फूड ईटिंग चैलेंज। सच में फ्रेंड्स, बनाना बहुत कठिन था क्योंकि सब नॉनवेज ही था। बनाना मतलब फ्रेंड्स, पहले तो हमें ना डिश निकालना पड़ा, वेज डिश में है क्या, ढूंढ के कैसे कैसे। मोमोज तो खैर फटाक से मिल गया, ये सेल रोटी, इसको बनाने में हालत खराब। देखो इसका शेप अभी भी बराबर से नहीं बना पाई। बराबर बनाई हो तो अभी अब इतना भी बुरा मत बोलो ना, मेहनत की इसके। मेहनत पे इसको मैं क्रेडिट देता हूँ, बट फ्रेंड्स वेज शेफ है। मतलब जो भी मैं रेसिपी खोल रहा हूँ नॉनवेज में बोला भैया कोई वेज भी दिखा दो हमारे लिए। बहुत मुश्किल से फ्रेंड्स ये तीन डिश मिला है। मतलब तीन डिश में तो हमारा पेट भर जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसमें आपका फेवरेट क्या है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता देना। और आपको हमारा 28 स्टेट फूड सीरीज कैसा लग रहा है जरूर फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे से पता, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यूज देख लो यार, पहले के व्यूज कंपेयर कर लो 28 स्टेट फूड सीरीज के व्यूज से, लाइक्स कंपेयर कर लो, पता चल जा रहा है कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। फ्रेंड्स, ये है सातवां एपिसोड 28 स्टेट फूड सीरीज का। हम उम्मीद करते हैं आप इसमें भी अपना प्यार वैसे ही बरसाते रहेंगे जैसे अभी तक आप बरसा रहे हैं। अब फ्रेंड वेट नहीं किया जा रहा मेरे से, अभी वेट होगा, पहले पनिशमेंट। अरे फ्रेंड्स, बहुत हुआ अदरक का वार, अब की बार लौकी का छिलके का वार। फ्रेंड्स, तीन राउंड करेंगे, आपको पता ही है तीन फूड है तो तीन राउंड होना पक्का है। और तीन छिलका, अब छिलका किसके मुंह में जाएगा। बहुत बार हमने अदरक आलू का छिलका लिया, इस बार थोड़ा चेंजेस लाते हैं। ऑलरेडी ये भाजी बना चुकी है मेरे पुत्र के लिए, थोड़ा बहुत बचा था उसी में काम चला लेते हैं। फ्रेंड्स, तीन स्लाइस में निकाल ले रहा हूँ ईमानदारी से। बॉर्डर लग रहा है, सब कठिन कठिन ही खाना है। एक तो जीत जाऊंगी मोमोज में, बाकी दो का नहीं बता सकती। फ्रेंड्स, मैं श्योर हूं प्राची हारेगी। दो, और ये रहा हमारा तीसरा पनिशमेंट। फ्रेंड्स देखिए छिलका किसके मुंह में जाता है, डगू के पापा के मुंह में जाए तो बड़ा देखो मजा है। ये सबसे बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ इसको जब शफाले का चैलेंज करेंगे तब। एक मिनट यार, नहीं ये मामोस के चैलेंज में होगा, सब तुम्हारा ही चलेगा। बढ़िया है, जब जब हुआ है तब तब आप ही का चला। फ्रेंड्स कोई बात नहीं यार, मैं इसमें भी इसको हराऊंगा। फ्रेंड्स, पहले राउंड में हम करेंगे मोमोस, सेकंड राउंड क्या मोमोस है ना बाद में ठंडा हो जाता है, अभी तोड़ के दिखाऊंगा, बहुत गर्म है, दिखा दूं। वैसे भी धुआं दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो फ्रेंड्स कैसे धुआं निकल रहा है। और हर एक फूड आइटम गर्म है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमोस, ये भी देखो चला के तोड़ के पक्का दिखाएगी। फ्रेंड्स ठंडा हो रहा है। मोमोस हम खाएंगे चटनी के साथ में, शफाले भी हम खाएंगे, ये मस्त इसने थोड़ा कैरी धनिया का चटनी बनाया, खट्टा मीठा तीखा, इसके साथ खाएंगे। अब ये सेल रोटी पता नहीं किसके साथ खाते हैं, हमने खाली हम लोगों को मिला भी नहीं, किसके साथ दिख रहा था, किसके साथ खाया कुछ नहीं दिखा, सच थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। तो मैं उसको बोला ठीक है बेगम तुम चटनी के साथ खा लेना, मैं भी चटनी के साथ खाऊंगा। फ्रेंड्स पहला राउंड में मोमोज खाएंगे, दूसरे राउंड में शफाले खाएंगे, तीसरे राउंड में सेल रोटी खाएंगे। पहले राउंड में मोमोज, हाँ दूसरे राउंड में तुम्हें सेल रोटी खाना है या शफाले खाना है, जो भी खा लो चलेगा मेरे लिए। फ्रेंड्स शायद से मेरा प्रोनाउंसिएशन भी गलत होता रहेगा, वेज शफाले शफाले है या कुछ और नाम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कैसे बताओगे, वापस से मैं वही पढ़ूंगा। चलो तो फ्रेंड्स मेरे लिए वेज शफाले ही है। एक काम करेंगे फ्रेंड्स, पहले राउंड में मोमोज, सेकंड राउंड में सेल रोटी, तीसरे राउंड में वैसा पहले चलेगा। और अभी जो हारेगा वो खाएगा ये वाला मोमोज में बड़ा वाला हुआ था ना, इसको याद है जरा इनसे। ए सेकंड, ये वाला बड़ा है फ्रेंड्स, ये चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 स्टेट फूड सीरीज का एपिसोड नंबर 7। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काहे का वेट कर रहे हो, बहुत तड़पाते हो हमें। फटाफट वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हस्बैंड वर्सेस वाइफ के ऐसे फनी एंटरटेनिंग धमाकेदार झगड़ालू वीडियोस के मुझे आप ले सको। बहुत ऐसे एक रिदम में फटाफट बोल दिया मैंने। सो ये देखो चटनी बिटनी सब डुबा के बैठी है, खाली कॉर्नर से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। 3-2-1 गो।
क्या हुआ इतना गरम लगा मुंह में, हिचकी आ रही है यार। बड़ा वाला छिलका उठा के चुपचाप खा लीजिए बिना किसी नौटंकी के। खा लूंगा, पहले हिचकी मेरी बंद होने दो। फ्रेंड्स इतना गरम लगा ना ये तीसरा मोमोस। मजा आ गया फ्रेंड्स मुझे खा के, इनको हरा के फर्स्ट राउंड हार चुके हैं। अब फ्रेंड्स बचा दो राउंड, बड़ा छिलका यही छीले थे, खाइए। मुझे पता था मोमोस मैं जीत सकती हूँ। कैसा हिचकी अभी भी आ रहा है, वो गरम लगा ना पूरा, अजीब सा वो फीलिंग आया मेरे को 5-6 सेकंड के लिए। आराम से कोई घाई नहीं है फ्रेंड्स। पहले जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे दूसरा पनिशमेंट मैं लूंगी, याद रखो। ईमानदारी से खाओगे तो ईमानदारी से लोगे तो ईमानदारी से मैं भी लूंगी फ्रेंड्स, नहीं तो मैं भी चीटिंग करूंगी इनकी तरह। फ्रेंड्स ईमानदारी से ही ले रहा हूँ मैं, चटनी नहीं लगा रहा हूँ, तुम्हें भी चटनी नहीं लगाना है, नहीं लगा चटनी, ठीक है चलेगा। फ्रेंड्स मैं श्योर हूँ उसको बाकी दोनों राउंड में मैं हरा दूंगा। कैसा लग रहा है खाने में? मैं भी चटनी लगा सकता हूँ, तुम भी चटनी लगा सकती हो। अच्छा हुआ इनको पहली बार मिला, नहीं तो इनको पता नहीं चलता। और चटनी उटनी सब हटा देते। मैं भी तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ बिना चटनी के। ये राउंड अगर हार जाता तो मजा आता फ्रेंड्स, लेकिन देखो साथ हरा ही दूं। दूसरा राउंड में वेज सफाले खाना है या सेल रोटी? सेल रोटी खाते हैं, चलो यही खा लेते हैं। अरे यार मैं देखिए रिंग की तरह गजब बना ही है ये। अंगूठी अंगूठी या पूरा हाथ चला जाएगा? अरे हाँ यार कंगन। फ्रेंड्स क्या बात है, बाल बिल तो नहीं अटक गया मेरा हाथ का ना। मैं भी सोची चिल्ला क्यों रहे, पता चला छिलका खा रहे हैं। मैंने चटनी भी लगा था याद रखना। वो तब सोचा जाएगा जब मुझे मिलेगा तब। अगर तुमने चटनी लगाया ना आई स्वर मैं पूरा चटनी तुम्हारे सर पे डाल दूंगा, बता रहा हूँ। तब की तब देखी जाएगी प्रेस, पहले खाओ तो पहले आराम देखा जाएगा, जब पनिशमेंट की बारी आएगी तो। फ्रेंड्स ये है सेल रोटी, बड़े मुश्किल से इसने बनाया है, सोचो शेप कैसे दे दिया इतना बड़ा राउंड। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस करो इसी के चक्कर में मार दे रहे हो मुझे। फ्रेंड्स चलो क्या लग रहा है, क्या मैं प्राची को हरा पाऊंगा? yes. आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता देना। फ्रेंड्स ये बनता है नहीं फ्रेंड्स, ये इसमें क्या क्या डाली हो तुम? चावल खाली भिगाते हुए देखा हूँ, चावल पीसा है तुमने और मेथी दूध के साथ पीसी थी, मेथी थोड़ा डाली थी, थोड़ा मेथी का डाला, घी और उसके बाद रवा। फ्रेंड्स इतने आइटम पड़े हैं इसमें। यस हमारा क्या, हम तो खाली बैठ जाते हैं खाने के लिए। सो ऑन द काउंट ऑफ 3 एक मिनट, तुम कौन सा चटनी लगा रहे हो? चाहे जो चटनी लगा लो इसमें कुछ नहीं है, आपको पता नहीं था किसके साथ खाया जाता है, देखते किसके साथ अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ऑन द काउंट ऑफ 3 हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 गो। अच्छा लग रहा है, शक्कर तो भूल ही गई बताना, शक्कर भी पड़ा था इसमें। शुरुआत में भूल गया बताते रहो।
स्मूथ आउट करने का। मुझे पता था हार्दिक जी मेरा भी मुंह दर्द होने लगा। ये देखो चराकी कर रही है, अब जानबूझ के दिखा रही है। अच्छा दर्द होने लगा ना, सच्ची बता। चबाते चबाते तो मुंह दर्द होने लगा। देखो मैं बोला था तुम हारोगी, तुम्हें भी बिना चटनी ईमानदारी से बिना चटनी लगाए खाना है, ईमानदारी से पूरा। बहुत डर लग रहा है, कैसा लग रहा था खाने में? तुम्हें तो आदत पड़ गई। बहुत अच्छा, काकड़ी की तरह खाओ। अरे जल्दी खावा, जल्दी खाओ। ए देखो फ्रेंड, ये देखो कुछ नहीं की। ये देखो फ्रेंड, ये देखो कुछ नहीं की। नहीं कहा की हो, ऐसे अब ऐसे फोड़ कर रही थी तब उसमें चला गया। बड़े आए हो, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये देखो, अच्छा ठीक है, लो चट लो, लो खुश, खाओ। संतुष्टि मिल गई, मिल गई, मिल गई। ईमानदारी से बताना आप, जानबूझ के तुम डुबाई थी ना फ्रेंड्स? क्या है, ये बहुत सीधी है ना, करते करते चला गया तो आखिर में। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत सीधी है ना, गाना तुम्हारे। देखो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, चालाकी कर लेती है, वो मैं पकड़ लेता हूं। हां हां हां, चलो चलो जल्दी खाओ। फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है मुझे, बिना चटनी के तुम खा रही हो। ककड़ी की तरह लग रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम दो खाओगी तीन खाओगी बता दो? दो प्रिंस, दो ही दो करे क्या यार, ना तीन तीन चम्मच लग बैठे हो तो चलो तीन तीन करते ही हैं, देखा जाए शायद खाई ले जाऊं। चलो की निकालोगे? नहीं नहीं ठीक है, तीन आराम से खावा जाएगा। खाई क्या हो तुम, तीन मोमोज और दो सेल रोटी, क्या है वो? ये थोड़ा सा कड़क पड़ गया, नहीं तो खींच ले जाती फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट रहता ना, पक्का खा ले जाती, खींच ले जाती फ्रेंड्स एकदम। अब तो फ्रेंड्स अब होगा महासंग्राम। यस, क्योंकि ये भी फास्ट खा लेगी सफाले, और मैं स्लो खाऊंगा, मुझे पता है जल्दी मेरे से निकला नहीं जाएगा। चलो देखते हैं, पहले देखो नरम कौन सा है। सब खाना तो है ही है। ओह मेरा पेट भर गया। सो फ्रेंड्स ऑन द काउंट ऑफ थ्री हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं? प्लीज अगर नहीं किया तो लाइक कर दो यार, इतने मेहनत से सारे फूड आइटम ये प्राची बनाती है। मैं बैठ के खाता हूँ अलग बात है, लेकिन आप लोगों को तो मजा आ रहा है ना, फटाफट वीडियो को लाइक करें। सो ऑन द काउंट ऑफ थ्री खाना स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। सोयाबीन भर भर के डाल दिया इसने। अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है।
स्टफिंग देखो फ्रेंड्स, क्या स्टफिंग है। मजा आ गया। मुझे लगा चबाते चबाते काफी लेकर चलो सिक्किम, मुझे पक्का लेकर चलूंगा, वहीं छोड़ दूंगा। तो तुम हार मान गए। चबाते चबाते मुंह दर्द होने लगा पक्का। बस देखने एक काम कर, तुम ऐसे खा लो। अब हारे नहीं हूँ। फ्रेंड्स अभी हार जाएगी। अरे बाप रे, हालत खराब है। मैं कुछ के खाई, मैं बोले ऐसे निकल जाऊंगी तो बहुत बड़े बहुत भारी पड़ जाएगा। फ्रेंड्स मैं हमेशा उसको बोलता था पहले थोड़ा चबा लिया करो फिर ना निकला करो। आज लेकिन मैंने चबाया, कभी नहीं मानते थे। जब किसी डॉक्टर ने उसको बोला ना चबा के खाया करो तब बोलती है ओके डॉक्टर। मेरे फ्रेंड लोग जो देखते हैं वो लोग मुझे बोले हैं। फ्रेंड्स हमारे एक व्यूअर ही डॉक्टर है जिन्होंने इनको बोला प्राची मैडम आप चबा के थोड़ा खाया करो। मैं डर गई उनकी बातें सुन के, मैं सच बोल रही है। लेकिन फिर भी तो निकली हूँ, मुंह में थोड़ा सा रह गया इसके लिए तो कर दिए। मैं तो हमेशा फ्रेंड चबा के खाता हूँ।
चटनी बिल्कुल नहीं, चटनी बिल्कुल नहीं। देखो ईमानदारी दिखाना, ईमान ए तुम वो वाला हाथ दिखाओ, गया मुंह में फ्रेंड्स, ए मुंह में गया। चलो ये देखो फ्रेंड्स, ये है आपकी प्राची, ये चीटर प्राची। अच्छा, ऐसा लग रहा है खाई नहीं फेंक दी हूं ना, बैठी हूं, भागी नहीं हूं मैदान छोड़ के। चलो फटाफट खाओ फ्रेंड्स। आज है फ्राइडे, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, कल हम इसको अपलोड करेंगे यानी सैटरडे को। सैटरडे सिक्किम का स्ट्रीट फूड अपलोड हो रहा है। और फ्रेंड्स कल यानी जब आप लोगों के लिए कल होगा, मतलब संडे के दिन, सिक्किम का ट्रेडिशनल फूड हम अपलोड करेंगे, जो कि होगा हमारा एपिसोड नंबर 8। फ्रेंड्स ये सारे वीडियोस देखने के लिए आपको आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हस्बैंड वर्सेस वाइफ के फनी एंटरटेनिंग धमाकेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो के साथ। लव यू, बाय फ्रेंड्स, बाय।